हाय फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन कब होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल में कोई एक ब्राउज़र को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप सिंपल टाइप करेंगे सर्च बॉक्स में यूट्यूब। अब जैसे ही यूट्यूब टाइप करेंगे उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे। नीचे की तरफ आने के बाद आपके सामने यहाँ एक अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है। आप सिंपल अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आप सिंपल यहाँ पे राइट साइड में आपके चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, आप सिंपल उस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही चैनल वाले लोगो पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देगा। उसके बाद आप सिंपल फॉर योर चैनल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही योर चैनल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका चैनल डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद आप सिंपल कस्टमाइज चैनल, यहाँ पे आप सिंपल कस्टमाइज चैनल वाले पे आप सिंपल क्लिक करेंगे। अब जैसे ही कस्टमाइज चैनल वाले पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ और यूट्यूब का न्यू डैशबोर्ड ओपन होगा। न्यू डैशबोर्ड ओपन होने के बाद सिंपल आप यहाँ पे देखेंगे आपके सामने ढेर सारे ऑप्शन दिखाई देने लगेगा। सबसे पहले ऊपर यहाँ पे आपको दिखाई देगा यूट्यूब का डैशबोर्ड। आप यहां से अपने चैनल का डैशबोर्ड देख सकते हैं। उसके बाद उसके नीचे आने के बाद यहां पे आप वीडियोज देख सकते हैं। उसके बाद लेफ्ट साइड में नीचे आने के बाद कमेंट देख सकते हैं, एनालिटिक्स देख सकते हैं। और उसी के नीचे आने के बाद आपके सामने कुछ यहां के डॉलर का एक ऑप्शन दिखाई देगा। आप सिंपल डॉलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही डॉलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आप सिंपल नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ पे देखेंगे कि आपके सामने सबसे पहले रिक्वायर्ड 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए। उसके बाद 4000 वॉच टाइम आवर होना चाहिए। उसके बाद 2 स्टेप वेरिफिकेशन होना चाहिए। उसके बाद आपके चैनल पर 0 एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइंस होना चाहिए, तभी आप अपने यूट्यूब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वॉच टाइम आवर क्या होता है कि आपके पिछले 1 साल के अंदर आपके वीडियो पे 4000 घंटे या 2,40,000 मिनट आपके चैनल पे होना चाहिए। उसके बाद ही आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए इनेबल कर सकते हैं।